हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं पुराने चादर का यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास पुरानी कोई भी ख़राब चादर है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या फिर आप पिलो कवर का यूज़ कर सकते हैं, पर्दे का यूज़ कर सकते हैं, या कुर्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी पुराना कपड़ा है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने लेंथ क्या ली है। तो 25 इंच मैंने यहाँ से यहाँ तक की इसकी ली है। और मैं अब ये चौड़ाई बता देती हूँ, लंबाई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखिए 18 इंच है। तो 25 और 18 इंच मैंने दोनों लिया हुआ है। तो ये मैंने इसी मेज़रमेंट का मैंने दो पीस लिया हुआ है एक जैसा। तो दो पीस आप ले लो और अब हम इसको स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगा के दोनों को एक दूसरे में जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों को पकड़ करके सिलाई लगा लीजिए और जॉइंट कर लीजिए। तो गाइस ये देखिए, ये दोनों पीसेस जो बेडशीट की थी वो मैंने एक दूसरे में ज्वाइन कर दी हैं। और अब इसको हम किनारे करते हैं। अभी हम यहाँ पे मैंने इस तरह की पट्टियाँ काट रखी हैं, तो हमें इस तरह की पट्टियाँ लेनी है। और पट्टियों को लेने के बाद हमें इसको फोल्ड करना है, जो इनका साइड वाला जो धागे वाला जो वो होता है कॉर्नर, उसको हम अंदर कर देंगे ताकि इसके धागे ना निकले। तो इस तरह से कुछ हमें करना है कि ऊपर हमें 1.5 इंच की करीब पट्टी आए पूरा टोटल। तो इसको मैं माप के दिखाती हूँ। तो इसको थोड़ा और बड़ा रखेंगे ताकि हमारी 1.5 इंच की आए। तो इसको खोल करके और बड़ा कर ले रही हूँ मैं। तो इसी तरह से आप करिए ताकि आपकी 1.5 इंच की पट्टियाँ हमें चाहिए होंगी तो वो 1.5 इंच की आ जाए। आप चाहो तो 1 इंच की भी रख सकते हो, 2 इंच की भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इस इनको मोड़ करके हमें इनकी सिलाई लगानी है। तो गाइस ये देखिए, इस तरह से मैंने सेम कलर के धागे से इसकी सिलाई लगा दी है। अभी क्या करना है, अब हमें जो हमने बेडशीट वाला लिया था उसको साइड से ही हम यहाँ से इसका लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सीधा एकदम रख करके इस तरह से पट्टियों को हम अरेंज करेंगे सबसे पहले। तो देखिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, उसके बाद से इस पर स्टिचिंग करनी है। तो पहले मैं सेट करके दिखा दे रही हूँ। तो गैप बिल्कुल नहीं देंगे दोनों पट्टियों के बीच में, और एक दूसरे में इसी तरह से बिल्कुल करीब करीब इनको इस तरह से ऊपर से भी देखिए एक बराबर रखनी है। और सारी पट्टियों को इसी तरह से एक के बाद एक हम अरेंज करेंगे इस तरह से। और सबसे जो ये सिलाई वाला पार्ट है जिस पे नीचे हमने फोल्ड किया, उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से इनको अरेंज करते जाएंगे हम। सारे पीसेस को हम यहाँ तक पूरा अरेंज कर देंगे। और उसको अरेंज करने के बाद हम देखिए यहाँ पे यहाँ तक हम अरेंज करेंगे, और उसके बाद से हमें यहाँ से इनके ऊपर एक स्टिचिंग कर देनी है। जितनी भी पट्टियाँ आप लगाइएगा उनके ऊपर एक खड़ी बस सिलाई लगानी है, बाकी कोई सिलाई हमें नहीं लगानी है। तो गाइज़ ये देखिए, ये एक खड़ी सिलाई यहाँ से लगी हुई है। और सिलाई लगाने के बाद इसको दोबारा हम इस तरह से सीधा कर देंगे प्रॉपर। और यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि मैंने पिन का यूज़ किया हुआ है। तो मैं दिखा रही हूँ कि पट्टियों को इस तरह सीधा रख करके हमें लास्ट के छोर तक पिन अप कर देना है, ताकि नीचे की तरफ ये भी बराबर सेट रहें। अभी हमें नीचे की सिलाई नहीं लगाई है इसीलिए इसको हम पिन अप करेंगे। तो सारी पट्टियाँ जितनी भी आपने स्टिच की है उन पे इसी तरह से सीधा कर करके और सिधाई हमें लगाना है, हमें पिन अप करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। अब हम सेकंड प्रोसेस इसका करेंगे। तो इसको लगाने के बाद यहाँ देखिए मैंने एक दूसरे कलर की हमने पट्टियाँ लेनी है। तो मैंने यहाँ पे इसका अपोजिट कलर बिल्कुल ले लिया है, और इसी तरह की पट्टी हमें फिर से सिलनी है। तो इसी तरह से इसको इन करेंगे। देखिए पहले मैंने इन किया है, इसको अंदर किया है, एक पट्टी छोड़ देंगे। अब दूसरी को उठाएंगे और दूसरी उसके बगल वाली को छोड़ देंगे। इस तरह से इसको अंदर हमें करते जाना है। देखिए ये वाली उठाई मैंने और दूसरी वाली पट्टी मैंने छोड़ दी यहाँ पे। फिर
फिर उसके बगल वाली उठाई और लास्ट में इस तरह से हमें निकाल देना है। तो कुछ इस तरह से ये बैठेगा और उसको ऊपर तक इस तरह से हमें प्रॉपर सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हाथ से इसको सेट कर दीजिए ताकि ये पूरा ऊपर तक सेट हो जाए। अभी जो इसकी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको मैं कट कर दूंगी, तो थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा। और उसके बाद से अब हम यहाँ पे दूसरी पट्टी सेट करेंगे। दूसरी पट्टी के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ से हमने अभी इसको छोड़ेंगे और ऊपर से निकालेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे और सेकंड वाली इस तरह से निकालेंगे। देखिए तो ये पहली वाली पट्टी के बिल्कुल अपोजिट बनेगा। ये देखिए इसको छोड़ा और इसको निकाला ऐसे, लास्ट में अंदर डाल करके इसको ऐसे करके छोड़ देंगे हम, और फिर इसको हम सेट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से इसकी डिज़ाइन निकल कर आएगी। थोड़ा सा बड़ा करके हम इसको कट कर देंगे। अब ये सेट होने के बाद हम यहाँ पे तीसरी पट्टी लगाएंगे। तो इसी तरह से हम पट्टियाँ लगाते जाएंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं पट्टियाँ लगाती जा रही हूँ और बिल्कुल 5 मिनट का काम है इसको लगाना। बहुत जल्दी जल्दी ये लग जाती है। ये देखिए बस एक को ऊपर करना है, एक को नीचे रखना है और पूरा इसको इस तरह से हमें करते जाना है। इसको पूरा मैं कर दे रही हूँ। हाथ से इसको सेट कर दें। तो गाइज ये देखिए, ये पूरा मैंने फिल कर दिया है इसको। दोनों शर्ट हमारा तैयार हो गया लगा करके और लास्ट तक बच गया है। अब लास्ट वाले तक आकर हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहो तो कटिंग से पहले स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से एक्स्ट्रा जो पट्टियाँ निकली हुई हैं उसकी कट कर दूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से कट कर दिया मैंने। अब हम इसके ऊपर एक स्टिच कर देंगे इस तरह से सीधा, एकदम इस लाइन से स्टिच करेंगे और दोनों साइड से भी हम कट करके इसी तरह से स्टिच कर देंगे। आप चाहो तो पिनअप कर लो, नहीं तो ऐसे ही स्टिच कर दीजिए। तो गाइज ये देखिए मैंने इनको इसी तरह से कट करके स्टिच कर दिया है और पीछे से भी आप देख सकते हो। अब ये साइड में जो बचा हुआ है वहाँ पर हमको पाइपिंग करनी है। तो चारों तरफ हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा निकालना है, तो कपड़ा हम स्ट्रेट कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी से मिलता जुलता कपड़ा मेरे पास है थोड़ा सा, तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो पीछे की साइड में यहाँ पे देखिए, पीछे की साइड में यूँ लगाना है और फिर इसको सिलाई करने के बाद इसको पलट देना है आके आगे की तरफ। तो इस तरह से हमें पट्टियाँ लगानी हैं। तो पाइपिंग इस तरह से कर लीजिए। तो गाइज़ ये देखिए, ये पट्टियाँ मैंने चारों तरफ लगा दी हैं और इस तरह से कुछ इसका लुक आया है। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा ये लग रहा है देखने में। पीछे से भी आप देख सकते हो कि इस तरह से इसका लुक है और आगे से भी ये इस तरह का लुक है। अब बहुत इजी था इसको बनाना। तो आप चाहो तो इससे आप डोरमेट बना सकते हो, फ्रीज मैट बना सकते हो, टेबल मैट बना सकते हो, पिलो कवर या फिर कुशन कवर, कुछ भी ऐसा जो भी आपके माइंड में इस तरह का आता है। आप इस तरह से इसको चटाई डिज़ाइन बोलते हैं, चटाई डिज़ाइन से आप बना सकते हो। तो गाइज इस तरह से क्रिएट करिए, दो शेड में बनाइए तो बहुत ही प्यारा लगेगा। सिंगल शेड में इसका लुक नहीं आएगा। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है और अच्छी चीज़ क्रिएट करने का और मन चाहता है। सब्सक्राइब करिएगा अगर न्यू आप हैं मेरे चैनल पर। तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू, बाय बाय।